देख रहे हैं इंडिया आज तक टीवी लाइव। मैं हूं आपके साथ ममता सिंह। चलिए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल अपने एक दिवसीय दौरे पर अमेठी जनपद के जगदीशपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत मुबारकपुर पहुंचेंगे, जहां पर वो गाजीपुर से चलकर अमेठी पहुंची भारतीय जनता पार्टी की जनविश्वास रैली का समापन करेंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के द्वारा विशाल जनसभा को संबोधित किया जाएगा। बताया जा रहा है कि इस जनसभा में लगभग 50,000 लोग सम्मिलित होने की संभावना है, जिसको लेकर तैयारियां जोरों पर है। तो वहीं पर रैली स्थल पर पुलिस महानिरीक्षक केपी सिंह के सहित पुलिस के तमाम आला अधिकारियों एवं बीजेपी के विधायक कार्यकर्ताओं तथा नेताओं ने पहुंचकर निरीक्षण करते हुए सुरक्षा व्यवस्था के विषय में जानकारी प्राप्त की। ऐसे में पुलिस महानिरीक्षक केपी सिंह ने बताया कि अयोध्या परिक्षेत्र में आने वाले सभी जनपदों, जिसमें विशेष रूप से अम्बेडकर नगर, सुल्तानपुर, बाराबंकी एवं अमेठी जनपद की पुलिस को लगाया गया है। हर तरह की व्यवस्था चौक चौबंद रखी गई है। मुख्यमंत्री के आगमन पर सुरक्षा व्यवस्था का विशेष ख्याल रखा जा रहा है। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष दुर्गेश त्रिपाठी ने बताया कि अमेठी सांसद व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के द्वारा जिस जल्द स्वस्थ रैली का शुभारंभ गाजीपुर से किया गया था, उसी स्वस्थ रैली का समापन अमेठी जनपद के जगदीशपुर स्थित मुबारकपुर में होगा। यह जनविश्वास रैली आज ही अमेठी जनपद पहुंची और सुबह यहां अमेठी कस्बे में निकलकर मुसीगंज होते हुए बीजेपी कार्यालय गौरीगंज पहुंचेगी, जहां पर जगह जगह रैली का स्वागत किया जाएगा। इस रैली में कई केंद्रीय मंत्री साथ साथ चल रहे हैं। गौरीगंज में ये रैली जाम होते हुए जगदीशपुर पहुंचेगी, जहां पर समापन करते हुए उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। कल यहाँ पर मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम है, क्या है कार्यक्रम और कौन कौन से लोग शामिल होंगे? जन विश्वास यात्रा हमारी गाजीपुर से चल करके आ रही है, जिसकी शुरुआत भी हमारी सांसद दीदी स्मृति जी ने ही की थी गाजीपुर में, और कल यहाँ पर जनसभा के समापन के समय माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का हम लोगों को आशीष वचन मिलेगा और साथ ही साथ दीदी भी उसमें रहेंगी। इस जनविश्वास यात्रा को अपार जन समर्थन पूरे गाजीपुर से लेकर अमेठी तक मिल रहा है। उसी क्रम में अमेठी में भी तमाम स्थानों पर उसके स्वागत का कार्यक्रम है और साथ ही साथ यहाँ पर एक बड़ी जनसभा का आयोजन है। जनसभा में कितने लोगों के आने की उम्मीद लगाई? लगभग 50,000 की संख्या अपेक्षित है, जो लग रहा है कि इससे अधिक ही आएगी। 50,000 की संख्या तो लगभग है। कितने बजे जनसभा? 2 बजे की जनसभा का। क्या जनसभा के माध्यम से कोई विकास की परियोजना को लोकार्पण शिलान्यास भी होना है? अब जनसभा का आयोजन यहाँ पर है, इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। अब चूंकि मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं तो विकास की योजनाओं का अपने आप ही शिलान्यास, लोकार्पण और विकास की धारा बहनी ही है, और दीदी भी साथ में रहेंगी ही। तो ये देखिए, कल माननीय मुख्यमंत्री जी का दौरा है और जन विश्वास यात्रा जो चल रही है उसका भी यहाँ पर वो उसके साथ चलेंगे कुछ देर और समापन होगा। और उसको लेकर के हम लोगों ने आज रिहर्सल के लिए अपनी फोर्सेस को बुलाया है और इसको लेकर के हम लोग अपने पूरे रेंज से बाराबंकी, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, सुल्तानपुर, अमेठी से सारी फोर्सेज आई हैं, सारे गेस्ट ऑफिसर्स हैं, हमारी इंटेलिजेंस की टीमें हैं, हमारी एस चेक टीम्स हैं और BDDS स्क्वाड्स हैं। तो सबके साथ मिलकर के फायर सर्विस के लोग हैं, रेडियो के लोग हैं, मजिस्ट्रेट्स हैं, तो उनके साथ आज हम लोग बैठक कर रहे हैं और रिहर्सल कर रहे हैं कि किस तरह से ट्रैफिक की क्या व्यवस्था होगी, किधर किधर से गाड़ियां आएंगी, किधर से लोग आएंगे, कहां पार्किंग करनी है, कहां पे रथ है और कहां पे लोगों को बिठाना है, किस तरह से कि सुरक्षित और शांतिपूर्ण ढंग से हम कल की जनसभा और रैली को कर सके, इसको लेकर के आज हम लोगों ने ब्रीफिंग की। हमारे साथ पुलिस अधीक्षक थे और उनकी पूरी फोर्स है और बाहर से आए हुए हमारे जो ऑफिसर्स थे उनके साथ, और अभी हम लोग इसका रिहर्सल करेंगे, फिर हम लोग डीब्रीफिंग करेंगे कि जो कमियां हैं उसको कैसे हम लोग रात तक पूरा कर सकें, इसको लेकर के हम लोग चिंता कर रहे हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी की जो बैठक है और जो रैली है वो अच्छे से शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो।